नमस्कार मित्रों की नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में दिखाने वाले नमोगार्ड फेज टू। आज डेट की बात करें आज है 14 मार्च और शाम के बज रहे हैं 4:30। और इस समय चलता हूँ आपको फेज टू दिखाता हूँ, नमोगार्ड फेज टू कहाँ तक काम पहुँचा है। और इसकी लागत की बात करें 50 करोड़ की लागत से ये घाट बनाया है। करीब 800 मीटर ये घाट बन रहा है, 800 मीटर आदि केशव घाट तक बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आपका बनाया जा रहा है मूर्ति विसर्जन कुंड बनाया जा रहा है। और नमस्ते जो बनने वाला था, नमस्ते वो कैंसिल हो चुका है। अब आगे देखिए हो सकता है किसी और कंपनी को दिया जाए, कि जो कंपनी काम करवा रही है यहाँ पे प्रीति बिल्कौन शायद वो नहीं बनाएगी। और आगे जो अपडेट हो रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और और फेज वन और फेज टू मिला के 1750 मीटर घाट ये घाट टोटल पड़ेगा आपको। और कितना काफ़ी बढ़िया, अगर राजघाट भीड़ से लोग आएंगे सीधे का वॉक करना हो मॉर्निंग में सीधा आदि केशव घाट तक जाएंगे और सेहत के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। मतलब चलिए चलते हैं, पूरा दिखाते हैं सीन, वीडियो बने रहिएगा। तो ये देख रहे हैं ये रैंप बनाया गया है यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं ये फेज टू के लिए बनाया गया है। ये पास दिखाता हूँ, देख रहे हैं यहाँ से लेके आपका यहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे। ये देखिए ये पुनः बनाया गया ना, यहाँ से लेके आगे उस जाने के लिए उस तरफ से, यहाँ से लेके उस तरफ लोग निकल जाएंगे। ये देखिए पूरा इस साइड से दिखा रहा हूँ आपको, अभी देखिए यहाँ पे पत्ता लगाना बाकी है इस साइड में। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रैम टाइप का बनाया जा रहा है, यहाँ पे साइड में भी देख रहे हैं ढाला जा रहा है ना यहाँ से। ये आपका अभी छड़ बना सरिया बना जाएगा, सरिया बनने के बाद यहाँ पे ढलैया किया जाएगा, इसके ऊपर किया जाएगा इस साइड से। और सामने से देखिए फेज वन दिख रहा है नमस्ते जो स्टैचू बनाया गया स्टैचू। और यहाँ पे एक पूरा जैसे आपने देखा होगा, जैसे बेनिया पार्क में देखा कि यहाँ पे ट्रेन वगैरह सब कुछ लगाया गया है, स्विमिंग पूल वगैरह यहाँ पे भी किया गया है, सारे सुविधा यहाँ पे भी की हैं। मतलब दूर दूर से लोग आते, काफ़ी आकर्षण होते हैं इस घाट पे घूम, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए इस घाट पे। तो यहाँ से आप देख लीजिए पूरा जो काम चल रहा है इस साइड से, यहाँ से लेके मैं चलूँगा आपको आगे की तरफ दिखाऊँगा चल के। तो हम लोग आ गए यहाँ पर जो बनाया जा रहा है आपका यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए कुंड, इस कुंड के पास आकर कुंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाने का काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ से सीढ़ी बनाया गया ना यहाँ पर, इसके पे से पत्थर लगाया जाएगा। ये देखिए रैम टाइप थोड़ा सा बनाएगा इस साइड से। हाँ तो मैं इस कुंड की बात करता, ये कुंड बनाया जा रहा है 18 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा, 630 वर्ग मीटर का लगभग 2.5 मीटर गहरा विसर्जन कुंड बनेगा, जिसमें लोग पूजा सामग्री माला फूल मूर्ति विसर्जन इत्यादि कर सकेंगे। और यहाँ पे इसके साथ ही योगा स्थल रहेगा, वाटर स्पोर्ट्स, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, कैफेटेरिया के अलावा अन्य सुविधाएं भी होंगी। और साथ में यहाँ पे आपका जैसे बता रहा हूँ आगे चल रहा है काम हेलीपैड का, दो हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जैसे कि लोग घूमने आएंगे यहाँ पे काशी का दीदार लोग हेलीकॉप्टर से करेंगे, उसके लिए वहाँ पे दो हेलीपैड तो बनाए जा रहा है। और वहाँ पर वेटिंग रुकने के लिए, वेटिंग एरिया के लिए एडमिनिस्ट्रेटर हॉल भी बनेगा वहाँ पर उस साइड में। चल के आके दिखाता हूँ वहाँ पर, वीडियो बने रहिएगा। ये पहले आप देख लीजिए विसर्जन कूट देख लीजिए किस प्रकार से बनाया जा रहा है, काम भी काफ़ी फास्ट है क्योंकि जून से लेकर जुलाई के बीच में इसका लोकार्पण होने वाला है फेज टू का। ये देखिए यहाँ से ये जा रही नहीं है, रोलर बोलते हैं इसको। और काम तेजी से कराया जा रहा है फेज टू का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए नए नए पत्थर आके यहाँ पे रखे गए हैं लगाने के लिए। ये देखिए दूसरा पत्थर, ये दूसरा पत्थर है, दोनों मतलब चुनार के पत्थर ही हैं। और आगे चल के दिखाता हूँ आपको, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्थर लगाने का काम चल रहा है। और ये यहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इस साइड से, यहाँ से लेके पूरा ये और ये साइड में पौधे लगाए जाएंगे और वहाँ पर पत्थर लगाना बाकी है 330 मीटर में। देखिए यहाँ भी लगा बनाया जाएगा इस साइड में भी, फिर काम चल रहा है इस साइड। देखिए
ये वाला यहाँ बनेगा भैया ना, ये वाला बनेगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइट के लिए बनाया जा रहा है इस साइड से। ये तीनों यहाँ पे पौधे लगाएंगे इस साइड से लेके, यहाँ पे लाइट वाली सिस्टम रहेगी यहाँ। हाँ भैया, 90 पोल है। अच्छा 90 पोल क्या, कुल टोटल 90 पोल है बता रहे भैया। अच्छा चलिए आपको आगे तरफ भी दिखाता हूँ चल के। और यहाँ पे इस साइड में सरिया बना जा रहा है जैसा कि मैं देखो दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड में सरिया बना जा रहा है, इस साइड से लेके पूरा आगे तक है पूरा। अभी वहाँ तक चलूँगा जो देख रहे हैं, लास्ट हेलीपैड जहाँ बन रहा है वहाँ तक चलूँगा, दिखाऊँगा चल के आपको। ये देखिए पहले यहाँ से लेके आगे तक ये। पत्थर सिर्फ यहाँ पे लगभग मांग के लिए सभी काम कम्प्लीट हो चुके हैं, सिर्फ पत्थर लगाने के काम सिर्फ चल रहा है यहाँ पे। जैसे होता है फिनिशिंग करने का, सिर्फ काम चल रहा है, लगभग यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं। चलिए मैं आपको पहले ऊपर से रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। ये आपका रेस्टोरेंट बनाया गया है, जैसे हमने फेज़ वन में देखा होगा फूड कोर्ट बनाया गया है, वैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया गया। फुल एसी रहेगा ये, यहाँ पे आपके आके आराम से नाश्ता वगैरह जो करना हो कर सकते हैं आके, जब बन जाएगा तब। ये सीढ़ी वगैरह भी बनाया गया है उस साइड से, ये देख रहे हैं ये साइड से रैंप भी बनाया गया, जिनको सीढ़ी से जाना है सीढ़ी से जाएंगे, जिनको रैंप से जाना है रैंप से जाएंगे। तरफ से घुमा के दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, ये देख लीजिए यहाँ से टोटल ये आपका फेज़ वन से लेके पूरा 1750 मीटर पूरा घाट पड़ेगा ये टोटल ये। अब मैं आ गया इस साइड में आ गया हूँ, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि ये आप ये बाउंड्री जो बनाया गया है जस्ट यहाँ पे देखिए पीला थोड़ा थोड़ा खड़ा किया गया, ये भी बाउंड्री बनाई जाएगी पूरी। और यहाँ भी पत्थर लगाने का काम शुरू पूरा हो चुका है लगभग, ये यहाँ पर भी पत्थर लगाए जाएंगे साइड साइड में। ये भी एक तरह से रैम टाइप का ये बनाया गया है, यहाँ पे आगे पत्थर तोड़ा जा रहा है मशीन से। सबसे अत्याधुनिक घाट बनाया जा रहा है ये, देश का पहला अत्याधुनिक घाट है ये, पहले खड़गिया घाट ना अब नाम नमो घाट हो चुका है। तो यहाँ से देखिए पहले इस साइड से नज़ारा, ये पूरा बाउंड्री रहेगी। तो ये भी देख रहे हैं जो पाइप जारी जा रही है, ये भी मतलब वायर तार के लिए बनाया गया, वायरिंग के लिए मतलब ये। और कुल जैसे मैंने पूछा कुल 80 पोल बनाए गए यहाँ पे, 80 पोल यहाँ पे। यहाँ पे भी देखिए पौधे लगाए जाएंगे साइड में भी। लग रहा है ये भी यहाँ भी पौधे लगाए जाएंगे जिस हिसाब से बनाया गया है, ये कुछ अलग लग रहा है फेज वन में, ये नहीं है ये चीज़। जब मैं लास्ट टाइम आया था वीडियो बनाने के लिए तो आपने देखा होगा यहाँ पे रेलिंग का काम नहीं हुआ था, देखिए फाइनली रेलिंग का काम भी पूरा हो चुका है यहाँ से, देखिए ये बन चुका है ये वाला, और आगे भी काफ़ी तेज काम चल रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देख रहे हैं कि अब शाही नाला है, ये शाही नाला, इसको ऐसे छोड़ा गया है, मतलब अंग्रेजों के ज़माने का ये है शाही नाला। और इस साइड में आप देख रहे हैं पत्थर तोड़ा जा रहा है वहाँ से इस साइड से, और जस्ट वो भी गजीबो बनाया जा रहा है वहाँ पे, लोग राजस्थान से लोग आए बनाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि फेज़ वन में राजस्थान से ही लोग आए थे बनाने के लिए। ये देख रहे हैं मशीन चल रही है वहाँ पे साइड से, इधर भी देखिए ये तोड़ा जा रहा है, हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसा देख रहे हैं इस साइड से, यहाँ पे काफ़ी सरिया तो आराम से आना होगा, चोट भी लग सकती है। हम लोग ऐसे देखिए ये भी बनाया जा रहा है साइड से, रास्ता बनाया जा रहा है के लिए, यहाँ पे भी रेलिंग लगाई जाएगी साइड में, देख रहे हैं जैसा कि। ये पूरी बाउंड्री रहेगी इस साइड की ताकि इस साइड कोई जा ना सके, गिरने का भी चांस रहेगा इसलिए। और सामने रेस्टोरेंट बनाया आप दिखाई थी हमें इस साइड, दो तरह, एक तरफ सीढ़ियाँ बनाई, एक तरफ रैंप बनाया जा रहा है। ये भी बिजली का पोल है इस साइड में, अब देखिए इसी रास्ते से उपयोग करके जाना होगा उस साइड हमें।
तो ये देख रहे हैं आप जैसे कि यहाँ पे जो बनाया गया है इस साइड से, क्योंकि जैसे बाढ़ आता है, बाढ़ के मद्देनजर देखते हुए इसको बनाया गया ताकि ये थोड़ा सा हिस्सा मजबूत रहेगा। ये अब बांधा भी गया पत्थर से, इसको पत्थर से बांधने के बाद इसको ऊपर से मसाला से घेर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं शाही नाला ये इस साइड से, काफ़ी गहरा, लेकिन काफ़ी गहरा होगा, लेकिन इधर से भले नहीं समझ पानी बंद लग रहा, नहीं बंद है, नहीं लगता, काफ़ी गहरा पानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मशीनों की आवाज़ सुनाई दे रही है, पोकलेन से पत्थर तोड़ा जा रहा है, कहते हैं फोकलेन की वजह से यहाँ से पत्थर को तोड़ा जा रहा है साइड से, मैं जैसा कि देख रहे हैं। और यहीं पे अधिकतर मशीन है यहाँ पे खड़ी है, ये देख लीजिए यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको कैसे तोड़ा जा रहा है इस साइड से, लेकर पूरा ये आपका पत्थर तोड़ा जा रहा है, इतने पत्थर है साइड साइड से तभी तोड़ रहे हैं, मतलब पत्थर का तोड़ने काम यही इस हिस्से में होता है। और आगे जो काम चल रहा है हेलीपैड वाला काम चल रहा है वो चल के दिखाऊंगा ही मैं आपको, पहले हिस्सा देख लीजिए आप। लोग आ गए उस स्थान पे जहाँ पे गजीबो बनाया जा रहा है, जैसे आपने फेज वन में देखा होगा गोला गोला नहीं बनाया, छतरी टाइप का बनाया, वैसे ही टाइप का यहाँ बनाया जा रहा है इस साइड में। क्योंकि भैया दो तीन महीने बाद इसका उद्घाटन होना है, तो काम जल्द से जल्द चल रहा है। और 23-24 मार्च के बीच में आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, हो सकता है आ भी सकते हैं देखने के लिए भी। ये वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ आपको मैं, तो देखिए हम लोग इस साइड में आ गए। यहाँ पे देखिए जो घाट बनाया जा रहा है, और यहाँ पे जैसे से लास्ट टाइम आया था यहाँ पे सीढ़ियाँ तो बनाई गई थी लेकिन पत्थर नहीं लगाया था, फिर अभी भी देखिए पत्थर यहाँ पर नहीं लगाया गया है। और काम देख रहे हैं इसमें जो हो रहा है बढ़ाया गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं पॉपलिंग चल रहा है इस साइड से, देखिए देख रहे हैं ना यहाँ से आप पॉपलिंग चल रहा है यहाँ पर इस साइड से, मिट्टी निकाल के ट्रैक्टर में डाला जा रहा है। मिट्टी निकालेंगे, मिट्टी निकाल के इसको ट्रैक्टर में डालेंगे। ये आप गजीबो बनाया गया इस साइड से देख सकते हैं, जैसे दिखाई दिए एक ये है मतलब ये मिला के गजीबो बनेगा, फिर ऐसे ऐसे मिला के मतलब ये बनाया जा रहा है गजीबो पूरा इस साइड से। पूरा जो मटेरियल देख रहे हैं इस साइड में मटेरियल बिठा के जो गिट्टी है गिट्टी वगैरह डाला जा रहा है इसमें। हाँ तो जैसे मैं बताया था आपको यहाँ पे आपका हेलीपैड तो बनाया जा रहा है, जस्ट हेलीपैड के पहले जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जो हॉल बनेगा देखिए यही बनेगा यहाँ पे, इसके पहले मैं बताया था आपको जब आया था वीडियो बनाता, ये निशान जो बनाया गया है उसी के लिए बनाया गया है, ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हॉल बनाया जाएगा रुकने के लिए लोगों के लिए। तो फाइनली आ चुके हैं जहाँ पे बनाया जा रहा है आपका हेलीपैड, दो हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, वाइट एंगल से दिखा रहा हूँ इसे, पता सब देखिए बाहर सब आए हैं लगाने के लिए। और ये आपका बन रहा है हेलीपैड, इसको भी सरिया बांध के ढलैया ऊपर से लग रहा है ढलैया किया जाएगा, सरिया तो बांध दिया गया है, लेकिन ये वाला जो काम जो चल रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके पहले भी आया था वैसे ही छोड़ा गया था, वैसे अभी भी वैसा ही है। अब सेकंड वाला दिखाता हूँ चल के आपको, साइड में सेकेंड वाला काम चल रहा है, ये तो ये देख रहे हैं वेल्डिंग काम चल रहा है यहाँ पे इस साइड से, और आगे जो है आपका हो रहा है उस साइड में दूसरा हेलीपैड बन रहा है। चलिए आगे वो वाला दिखाता हूँ चल के आपको, लास्ट तक पूरा चलूँगा एकदम। हाँ आप देखिए ये काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इस वाले का देखिए काम थोड़ा ऊंचा हो गया, ये देख रहे होंगे आप, सिर्फ पास से दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से लेके पूरा ये आपका इसमें काम स्टार्ट हुआ है, मिट्टी भरी जा रही है इसमें साइड साइड में, ये देखिए तराई के लिए पानी भी डाला गया है मिट्टी सूखे ना इसलिए,
तो हम देखिए एकदम लास्ट छोर तक आ गए हैं। यहाँ पे आगे सामने आधे केशव घाट है, जस्ट यहीं तक काम देखिए बाउंड्री बनाई गई है, यहाँ तक उसका काम हो रहा है, उसके आगे कोई काम नहीं हो रहा है, बस यहीं तक है मतलब फाइनिश का फेज टू का काम जो हो रहा है। इस साइड से अब ये देखिए दूसरा लाल पेड़ है इस साइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से। और सामने देख रहे हैं राजघाट का ब्रिज है, जिसको मालवी ब्रिज, डफरी ब्रिज बोलते भी हैं। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके आप मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए ताकि जो बात है वो भी देख पाएंगे नमो घाट फेज टू। और फेज़ वन का भी काम तो खत्म हो चुका है, सिर्फ फेज टू चल रहा है। ये भी आपका जून से जुलाई के बीच में इसका उद्घाटन होने वाला है, जो कि आपका अभी तो फिलहाल में 2-3 दिन 23 से 24 मार्च के बीच में आने वाले नरेंद्र मोदी जी हो सकता है यहाँ पर भी आ सकते हैं देखने के लिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी।